हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000। जी हाँ, आपको न्यूज तो मिल ही चुका होगा, चाइना पे रियलमी V3 लॉन्च हो चुका है और ये स्मार्टफोन एक 5G फोन है और इसका जो प्राइस है ना वो अंडर 10,000 है, यानी कि 10,000 रुपए के प्राइस में आपको 5G स्मार्टफोन रियलमी V3 जो आपको देखने को मिलेगा चाइना पे। लेकिन मेन सवाल ये है, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा, या फिर फ्यूचर में आपको 5G स्मार्टफोन इंडिया में भी 10,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसके बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हे गाइस, सो वेलकम टू हिंदी फैक्ट्स, दिस इज इमरान। गाइस, चाइना पे रियलमी एक नहीं बल्कि तीन स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और ये तीनों ही स्मार्टफोन 5G है, रियलमी X7, रियलमी X7 प्रो और रियलमी V3। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ रियलमी V3 की, क्योंकि ये स्मार्टफोन 5G तो सभी स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये प्राइस जो होगा ना ये 10,000 रुपये होगा। 10,000 में आपको 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं रियलमी, उसके बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसका क्विकली स्पेक्स बता देता हूँ। रियलमी V3 चाइना पे अवेलेबल है 6GB 64GB का स्टोरेज, 6GB 128GB का स्टोरेज, 8GB 128GB का स्टोरेज, और इसका जो बेस्ट वेरिएंट है 6GB 64GB का, इसका प्राइस है 10,000 रुपए के आसपास है। मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब 10,000 रुपए में आपको 5G स्मार्टफोन रियलमी V3 देखने को मिलेगा, तो इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक की तरफ से ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है और ऑब्वियसली ये 5G प्रोसेसर है। अगर हम लोग ये प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन 765G से, तो उससे ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन मिड रेंज के हिसाब से पावरफुल प्रोसेसर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का देखने को मिलेगा और ये एक 5G प्रोसेसर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलेगा, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 6.53 इंच का HD+ IPS LCD पैनल होगा वाटर ड्रॉप के साथ में, और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी होगी, 18 वॉट का फास्ट चार्जर टाइप सी पोर्ट में इन द बॉक्स आने वाला है। अब देखो, ये स्मार्टफोन का जो डिजाइन है ना, ये आपको याद दिला देगी रियलमी C12 जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, सेम डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ है V3 के नाम से। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो, 13+2+2 मेगापिक्सल का, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और ये सेम कैमरा जो मॉड्यूल है ना वो आपको रियलमी C12 में देखने को मिल चुका है इंडिया में, और यही स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ है रियलमी V3 के नाम से, और यहाँ पर प्रोसेसर को इन्होंने अपग्रेड करके 5G स्मार्टफोन बना दिया है। अब देखो, मेन पॉइंट ये है, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल होगा, यानी कि 5G स्मार्टफोन 10,000 रुपए के प्राइस में इंडिया में आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। उसका जवाब है यस, आपको इंडिया में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। देखो, ये सिर्फ रियलमी ने कि आपको 10,000 रुपए के प्राइस में 5G स्मार्टफोन देगा। जब भी इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा ना, 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा ना, हर कंपनी की तरफ से आपको मिड रेंज में 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अभी जो 2020 में ट्रेंड चल रहा है पंचोल डिस्प्ले का, अभी आपको 10,000 रुपए के प्राइस में, 12,000 के प्राइस में, यहाँ तक 8-9,000 रुपए के प्राइस में पंचोल का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और एक टाइम था आज से 2-3 साल आगे सिर्फ आपको सैमसंग की फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे पंचोल का डिस्प्ले देखने को मिलता था, और वो स्मार्टफोन का प्राइस था 50-60 हज़ार रुपए के बीच में, लेकिन अभी आपको 10-15 हज़ार रुपए के प्राइस में पंचोल का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो जो भी चीज अगर फर्स्ट टाइम आती है ना, तो उसका कुछ डिमांड और ज्यादा रहती है, आने के बाद जब वो इरेगुलर हो जाएगा उसके बाद उसका प्राइस भी कम हो जाता है, और वो स्मार्टफोन ना मतलब आपको डे टू डे यूज में नॉर्मल सा हो जाता है, सभी लोग उसका यूज करते हैं। तो अभी 5G नेटवर्क इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से रियलमी का जो 5G स्मार्टफोन, अगर हम लोग इंडियन कंपैरिजन करते हैं, तो इंडिया में 5G स्मार्टफोन रियलमी का खुद है रियलमी X50 प्रो, और वो स्मार्टफोन का प्राइस स्टार्ट होता है 35-40 हज़ार रुपये के बीच में। अब 35-40 हज़ार रुपये के प्राइस में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है रियलमी का खुद का, लेकिन क्या अभी इंडिया में यह लॉन्च कर सकता है मिड रेंज में 5G स्मार्टफोन, तो इसका जवाब अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप मान सकते हो जब भी इंडिया में 5G अवेलेबल हो जाएगा, सब कंपनी, मतलब ये सिर्फ रियलमी और Xiaomi नहीं, बाकी जो भी कंपनी है वो सभी कंपनी की तरफ से आपको 5G स्मार्टफोन
10,000 15,000 के यानी कि मिड रेंज में देखने को मिलेगा। तो आपको याद होगा Vivo V15 जब ये इंडिया में अवेलेबल हुआ था, ये इसमें आपको फर्स्ट टाइम पॉपअप कैमरा का जो पॉपअप कैमरा होता है वो आपको देखने को मिला था, और वो स्मार्टफोन का प्राइस स्टार्ट होता था 28,000-25,000 रुपए के बीच में। आपको पॉपअप कैमरा का फ्रंट देखने को मिलता था जो कि सेल्फी पॉपअप कैमरा के साथ में आती थी, लेकिन अभी आपको 12,000-15,000 रुपए में पॉपअप कैमरा देखने को मिला और कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ये ना एक मार्केट का, ये मतलब आप मान सकते हो ये स्ट्रेटेजी है, मार्केट का यही रूल्स है। कोई सा भी चीज़ फर्स्ट टाइम अवेलेबल होगी उसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहेगा और वो अवेलेबल भी बहुत जल्दी नहीं होगा। तो आप ये तो मान ही सकते हो सभी कंपनी की तरफ से आपको 5G स्मार्टफोन जब भी इंडिया में 5G अवेलेबल होगा मिड रेंज में आपको 5G देखने को मिलेगा, और ये क्लू रियलमी V3 दे दिया आपको जो चाइना पे लॉन्च हुआ है रियलमी V3 के नाम से 10,000 रुपये के प्राइस में आपको 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जब भी इंडिया में 5G अवेलेबल होगा बहुत सारा आपको कंपनी की तरफ से 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 10,000-15,000 रुपये के प्राइस में, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि 5G तो चाइना पे लॉन्च हो चुका है लेकिन क्या इंडिया में आएगा, इंडिया में 10,000 के प्राइस में मिड रेंज में 5G स्मार्टफोन कभी अवेलेबल होगा फ्यूचर में या फिर नहीं। तो उसका जवाब डेफिनेटली आपको इंडिया में 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000 के प्राइस में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, आज से एक साल या फिर दो साल के बाद जब इंडिया में 5G मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएगा, उस टाइम पे आपको 5G स्मार्टफोन भी मतलब जो डिमांड अभी चल रहा है उस टाइम पे उसका डिमांड नहीं रहेगा। तो यही था जो बात जो मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया, और V3 जो चाइना पे लॉन्च हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया। तो उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।